कोतवाली क्षेत्र के कानपुर नगर सागर हाईवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस कर्मियों ने आनंद फानन में घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें क्रांतिमाला के शर्मा, अनिल कुमार और आदित्य शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है, जिसमें से 2 की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो उनकी गाड़ी 100 मीटर की दूरी पर थी, तभी बहुत तेज आवाज आई और उन्होंने गाड़ी रोक कर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को भी रुकवाया। इसके बाद पुलिस को 112 नंबर डायल करके सूचना दी। सबके सहयोग से हमने सब उनको जिला अस्पताल इमरजेंसी के लिए भेजवा दिया है। बाकी गाड़ी किससे टकरानी है? गाड़ी ये लोग तेज स्पीड से आ रहे थे और गाड़ी किसी से नहीं टकरानी, या तो ये ड्राइवर की मिस्टेक है या तो वो सो गया है या क्या कंडीशन है, किसी से नहीं टकराना, सीधे पेड़ में टकरा गई गाड़ी और बहुत भयानक तरीके से टकरानी, ये पूरी गाड़ी एकदम से मट गई है। सड़क हादसा इमरजेंसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाए गए एम्बुलेंस द्वारा, जो कि काफी क्रिटिकल एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें से एक लेडीज है जो काफी सीरियस कंडीशन में लाई गई। उसकी बहुत लेफ्ट थाई फ्रैक्चर है और हिप बोन फ्रैक्चर है। बाकी 3 लोग का थाई फ्रैक्चर हुआ है, जिसमें से 2 पुरुष हैं और 3 से 4 लोग इसमें एक्सपायर हो गए हैं।